सोरभ की टीम को मैच जीतने के लिए सौरभ का टारगेट मिला है। देखते क्या करते हैं ओपनर बैट्समैन वेद और विकास सामना करेंगे सुरेंद्र का। विकास देखते हैं और सुरेंद्र की अगली बॉल विकास के लिए और विकास ने खेल के लेग साइड की तरफ फील्डर गेंद के नीचे पानिया और ये कैच आउट पहला झटका लगता हुआ शिवा टीम को विकास के रूप में। अच्छे गेंदबाज है सुरेंद्र जो कि जाने माने गेंदबाज है और जीत के लिए सौरभ का टारगेट मिला है शिवा टीम को। अब नए बैट्समैन के रूप में जा रहे हैं मंत्री। देखते हैं मंत्री क्या करते हैं जो कि बॉलिंग में अपना 100% दिया। अब बैटिंग में देखते हैं ऑलराउंडर के रूप में जान जाते हैं विकास सुरेंद्र का सामना करेंगे वेद। वेद ने भी अच्छी बॉलिंग की है और सुरेंद्र की अगली बॉल वेद के लिए और वेद भी खेलना चाहो साइड में लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। डॉट बॉल अच्छी बॉल एक ओवर की समाप्ति पर शिवा टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर। देखते हैं पारी का दूसरा ओवर कौन डालता है। और पारी का सेकंड ओवर डाल रहे हैं जितेंद्र और अपने कोटे का पहला और पारी का सेकंड और सामने मंत्री जो कि लंबे लंबे हिटों के लिए जाने जाते हैं। राहुल की बहुत ही अच्छी बैटिंग लाजवाब बैटिंग जो कि एक अच्छे बैट्समैन के रूप में जाने जाते थे और उन्होंने अपना परफॉर्मेंस करके ही दिखाया। मैं आपको बता दूं अब सुरेंद्र और जितेंद्र की अगली बॉल सामने मंत्री और अंपायर का डिसीजन आना बाकी वाइड बॉल और फर्स्ट बाउंस वाइड बॉल और फर्स्ट बाउंस अच्छी अंपायरिंग की जा रही दोनों अंपायरों के द्वारा दोनों ही एक्सपीरियंस अंपायर है। 500 मैचों का एक्सपीरियंस दोनों ही अंपायरों को मैं आपको बता दूं बहुत ही अच्छी अंपायरिंग कर रहे हैं दोनों ही अंपायर। और जितेंद्र की अगली बॉल सामने है मंत्री। देखते हैं मंत्री क्या करते हैं और मंत्री ने ऑफ साइड में खेलना चाहा लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। अच्छी बॉल जितेंद्र लगातार देखते हैं कितनी अच्छी गेंदबाजी करते हैं उनकी टीम अच्छी बैटिंग करके गई है। 10-12 ओवर का मैच था जिन्होंने जीतने के लिए शिवा टीम को 100 रन का टारगेट दिया है। और जितेंद्र की अगली बॉल और मंत्री ने खेल के अगली की तरफ गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है। देखते हैं चौका होता है और अंपायर का डिसीजन आना बाकी 2 रन पूरे किए 3 रन लेने का कोई मौका नहीं अभी अंपायर का डिसीजन आना बाकी। हेड अंपायर का डिसीजन लिया जा रहा है जो कि यहाँ पर लाइव मैच चल रहा है राज क्रिकेट फेयर चैनल को सब्सक्राइब और करते और लाइक करते खासकर बेल आइकन को दबा दे जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अंपायर का डिसीजन आना बाकी अभी और 2 रन अच्छी फील्डिंग की गई फील्डर के द्वारा। और जितेंद्र की अगली बॉल सामने मंत्री देखते क्या करते मंत्री और मंत्री ने खेलना चाहो साइड में लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। फिर से डॉट बॉल राहुल के द्वारा अच्छी कीपिंग की जा रही है। और जितेंद्र की अगली बॉल है सामने मंत्री और अंपायर को क्रॉस किया और मंत्री ने खेल दिया है लॉन्ग ऑफ की तरफ गेंद बाउंड्री से बाहर 4 रन अच्छा शॉट लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला मंत्री ने मंत्री के वजह से निकलता हुआ पहला चौका और पारी का भी शिवा टीम का भी पहला चौका। सलामी बल्लेबाज के रूप में विकास और वेद आए थे जो कि विकास आउट हो चुके हैं अब वन डाउन पर आए हैं मंत्री जो कि आते ही अपनी टीम के लिए रन बनाने शुरू कर दिए हैं। और ये जितेंद्र की अगली बॉल और फिर से खेल दिया मंत्री लॉन्ग ऑन की तरफ पावर पानिया फील्डर पीछे हैं और दौड़कर जब तक गेंद को दौड़कर पूरा 1 रन पूरा किया 2 रन लेने का कोई मौका नहीं। और जितेंद्र का सामना करेंगे वेद। देखते हैं वेद क्या करते हैं और ये जितेंद्र की और वेद ने खेल दिया लेग साइड में गेंद बाउंड्री से बाहर 4 रन लेग साइड में खेला गेंद बाउंड्री से बाहर 4 रन बहुत ही अच्छी बैटिंग वेद के द्वारा
और अंपायर का डिसीजन ओवर की समाप्ति, दो ओवर की समाप्ति पर शिवा टीम का घटता हुआ स्कोर 16 रन एक विकेट के नुकसान पर। शिवा टीम को जीतने के लिए 100 रन का टारगेट मिला है और पारी का तीसरा ओवर डालेंगे सुरेंद्र और अपने कोटे का दूसरा, जो कि पहले ओवर में ही 4 रन दिए थे और एक विकेट हासिल किया था सुरेंद्र ने। अच्छी गेंदबाजी करते हैं सुरेंद्र, अब उनका सामना करेंगे मंत्री, देखते हैं मंत्री क्या करते हैं, जो कि लंबे लंबे हिटों के लिए जान जाते हैं मंत्री। और नॉन स्ट्राइक पर अवेयर, जो कि उन्होंने पिछली बॉल पर चौका मारा लेग साइड में, और ये सुरेंद्र की अगली बॉल और खेल दिया है कोर्ट साइड में धीरे से और सिंगल लिया, बहुत ही अच्छी फील्डिंग फील्डर के द्वारा। अब सामने आए हैं वेद, देखते वेद क्या करते हैं। सुरेंद्र इस एरिया के जाने माने बॉलर के रूप में हैं, वही वेद एक स्टार प्लेयर जो कि चिराग टीम की ओर से खेलते हैं लगातार, जो कि एक ऑलराउंडर हैं। और ये सुरेंद्र की अगली बॉल वेद के लिए, देखते वेद क्या करते हैं। और वेद ने खेलना चाहा ऑफ साइड में, लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं, कुटलेन छेत्री और से दी विकेट कीपर याद में, बाकी काम विकेट कीपर ने पूरा किया, रन लेने का कोई मौका नहीं। और ये अगली बॉल सुरेंद्र की, और वेद ने खेल दिया धीरे से गली की तरफ, पुश किया और दौड़कर एक रन आसानी से पूरा किया, अच्छी फील्डिंग फील्डर के द्वारा दो रन लेने का कोई मौका नहीं। पारी का तीसरा ओवर डाल रहे हैं सुरेंद्र और अपने कोटे का दूसरा, देखते हैं क्या करते हैं मंत्री, जो कि अच्छे बैट्समैन के रूप में जाने जाते हैं। और ये सुरेंद्र की अगली बॉल मंत्री के लिए, और मंत्री ने खेल दिया है लेग साइड की तरफ, गेंद बाउंड से बाहर, 4 रन अच्छा शॉट, सुरेंद्र की स्लोअर बॉल थी और मंत्री ने समझा और लेग साइड की तरफ खेल दिया, गेंद बाउंड से बाहर, 4 रन अच्छी बैटिंग कर रहे हैं मंत्री लगातार। और ये सुरेंद्र की अगली बॉल सामने मंत्री, देखते हैं मंत्री क्या करते हैं। ये सेकंड सेमीफाइनल मैच चल रहा है शिवा क्रिकेट क्लब और भवानी क्रिकेट क्लब के बीच में, और ये अगली बॉल और लेग साइड में पुश किया और दौड़कर एक रन आसानी से पूरा किया, दूसरा लेने का कोई मौका नहीं जब तक गेंद फील्ड होती। पारी का तीसरा ओवर डाल रहे हैं सुरेंद्र, अपने कोटे का दूसरा, जो कि पहले ओवर में मात्र 4 रन खर्च किए थे और एक विकेट हासिल किया सुरेंद्र ने, शिवा टीम को जीतने के लिए 100 रन का टारगेट मिला है। और फिर से खेल गया है बाउंड्री ऑफ की तरफ और लंबा छक्का वेद के बल्ले से निकलता हुआ, लंबा छक्का वेद के बल्ले से निकलता हुआ ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति पर बढ़ता हुआ स्कोर। तीन ओवर की समाप्ति पर शिवा टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 32 रन एक विकेट के नुकसान पर। बहुत ही लंबा छक्का मारा वेद ने, कमेंट्री बॉक्स की तरफ गेंद आई थी, मैं बता दूं वेद एक तूफानी बैट्समैन के रूप में जाने जाते हैं और उनका साथ दे रहे मंत्री, जो कि लंबे लंबे हिटों के लिए जाने जाते हैं। अब पारी का चौथा ओवर देखते हैं कौन डालते हैं, थोड़ी बातचीत होती हुई कैप्टन और वाइस कैप्टन और पूरी टीम के बीच में, अच्छी बैटिंग कर रहे हैं वेद और मंत्री। 3 ओवर की समाप्ति पर बढ़ता हुआ स्कोर 29 रन एक विकेट के नुकसान पर। 12 ओवरों का मैच है, जीतने के लिए 12 ओवरों में 100 रन की जरूरत है, जो कि राहुल की अच्छी बैटिंग, विपक्ष की टीम में जो विकेट कीपिंग बैट्समैन और ऑलराउंडर एक बॉलर अच्छे रूप में जाने जाते हैं, ऑलराउंडर है राहुल। और पारी का चौथा ओवर डालेंगे फानिया, जिन्होंने कैच पकड़ा है सुरेंद्र की बॉल की और सामना करेंगे मंत्री। और फानिया ने खेल मंत्री ने शिव मारना चाहा, लेकिन कुछ बैट्समैन की समझ में नहीं बैठी बॉल, बैट की टच हुई और वहीं पर गिर गई, रन लेने का कोई मौका नहीं। अच्छी बॉलिंग की जारी फानिया के द्वारा, लगातार अच्छे टूर्नामेंट खेलते हैं फानिया और उनका अच्छा योगदान रहा टीम के लिए और मंत्री के लिए। अगली बॉल फानिया की और मंत्री ने खेल दिया फिर से ऑफ साइड में, फिर गेंद के नीचे है और कैच आउट,
अच्छा ठीक है मैच चल रहा है जसरापुर शिवा क्लब और दुर्गा क्लब के बीच में। शिवा क्लब को बैटिंग करते हुए और कितना है वाला और फिर ओवर चौथा ओवर प्रगति पे है। थानिया बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रहा है और वेद प्रकाश आउट होकर जाते हुए। थानिया पचेरी का बहुत ही अच्छा खिलाड़ी बहुत ही अच्छी बॉल की है इस ओवर में। पहले मंत्री को आउट किया और उसके बाद में वेदा को पवेलियन की तरफ भेज दिया। एक ही ओवर में दो बहुत ही एक ही ओवर में दो खिलाड़ियों को आउट कर पवेलियन भेज दिया। अब कुछ उम्मीदें बची हैं दुर्गा क्लब जसरापुर के लिए इस मैच में। टारगेट 12 ओवरों में 100 रन का दिया था शिवा दुर्गा क्लब ने। शिवा क्लब को जीतने के लिए 12 ओवरों में 100 रन बनाने थे शिवा क्लब को जीत के लिए। अब बैटिंग पे गुरुजी नाम से फेमस खिलाड़ी हानिया की ये बॉल गुरुजी के लिए। अंपायर का सर देखना होगा और ये वाइड बॉल चौवालीस रन की जरूरत है। छह ओवर में मात्र जीतने के लिए 44 रन की जरूरत। पारिका सात ओवर डालेंगे। राहुल सामने है नील जो कि नील छक्का मार चुके हैं और नॉन स्ट्राइक पे है। वाशिंग गुर्जी जाने माने बैट्समैन जो कि बहुत ही लंबा छक्का मारा था जो कि घर में गेंद गई और फिर वापस लाई गई दर्शकों के द्वारा। और ये राहुल की पहली बॉल और अच्छी बॉल डॉट बॉल अच्छी बॉल मेरी राहुल ने पहली बॉल डॉट अनिल बैट और बॉल कोई संपर्क नहीं जब तक गेंद को फील्ड करते। और ये अगली बॉल सामने है अनिल देखते हैं अनिल क्या करते हैं। और ये राहुल की अगली बॉल अनिल के लिए और फिर से डॉट बॉल। लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं राहुल। राहुल एक जाने माने ऑलराउंडर है सुखाना की ओर से खेलते हैं राहुल जो कि एक अच्छे बैट्समैन है इस मैच में। बहुत ही अच्छी बैटिंग की राहुल ने। और राहुल की अगली बॉल अनिल के लिए देखते हैं क्या करते हैं जो कि लाइन पर नहीं बात अच्छी गेंदबाजी करते हैं। और वाइड बॉल ऑफ साइड से फिर से बाहर की तरफ निकली गेंद और वाइड बॉल अंपायर का डिसीजन। बढ़ता हुआ स्कोर 57 रन 4 विकेट के नुकसान पर। पारिका सातवां ओवर डाल रहे राहुल और ये अगली बॉल राहुल की अनिल के लिए। और अनिल ने खेल दिया लेफ्ट साइड में गेंद बाउंडिंग तक जा रही है जब तक गेंद को फील्ड करते दौड़ कर एक रन पूरा किया और दूसरे रन भी आसानी से पूरा किया। और नो बॉल अंपायर का इशारा नो बॉल फ्री। तीन रन ओवर मिले एक रन दक्षिणा ग्रुप में और दो रन दौड़ कर पूरे किए और ये फ्री। और बढ़ता है स्कोर 60 रन मात्र जीतने के लिए 40 रन की आवश्यकता है शिवा क्रिकेट क्लब को। और ये नो बॉल फ्री इसके देखते हैं बैट्समैन क्या करते हैं जो कि लंबी इनिंग के लिए जाते हैं।
इसी ग्राउंड के स्टार खिलाड़ी है अनिल, जो कि बॉलिंग में अच्छा किया था अनिल ने, और देखते हैं फिर इसका कितना फायदा उठाते हैं। और फिर से वाइड बॉल, और फिर वाइड बॉल, बहुत ही अच्छी अंपायरिंग की जा रही है अंपायरों के द्वारा। 500 मैचों का डिफरेंस है अंपायरों को। वाइड बॉल, वाइड बॉल, अंपायर का डिसीजन सर्व मान्य होगा, कोई भी किसी प्रकार की बैचबाजी ना करें, अंपायर का डिसीजन सर्व मान्य होगा, कोई भी किसी प्रकार की बैचबाजी ना करें। और ये अंपायर का डिसीजन अभी वाइड किया तो वाइड ही मान्य होगा। ये ग्राउंड का नियम है जो कि कमेटी डिसीजन अंतिम होगा और अंपायर का डिसीजन भी अंतिम होगा। देखते क्या करते हैं। और अंपायर का इशारा वाइड, डिसीजन वाइड, और बढ़ता है स्कोर 61 रन। मात्र जीतने के लिए 42 रन की आवश्यकता शिवा क्रिकेट क्लब को। बहुत ही अच्छी अंपायरिंग की जा रही दोनों अंपायरों के द्वारा। मैं पहले ही बताया था आपको और आप फिर से बता देता हूँ, दोनों अंपायरों का लगभग 450 मैचों का एक्सपीरियंस है। लगातार दोनों ही अंपायरिंग करते हैं, जो कि इस ग्राउंड के जाने माने अंपायर हैं और इस एरिया के भी जाने माने अंपायर हैं। और ये अगली बॉल, ओ लेग साइड खेल, फिर इसका कोई फायदा नहीं उठाया। डॉट बॉल, स्लो बॉल राहुल की, फिर इसका कोई फायदा नहीं उठा पाया अनिल। और अगली बॉल, देखते क्या करते हैं अनिल। इस बॉल पर जीतने के लिए मात्र 39 रन की आवश्यकता है। पारी का सात आउट डाल रहे राहुल, कुछ अपनी फील्ड को देखते हुए राहुल। और ये राहुल की अगली बॉल सामने अनिल, और अनिल ने फिर से खेल दिया लॉन्ग ऑफ की तरह, दौड़कर एक रन पूरा किया, दूसरा लेने का कोई मौका नहीं। इसी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 62 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। जीतने के लिए मात्र 38 रन की आवश्यकता। अब सामना करना हवा सिंह गुरजी, देखते हैं हवा सिंह गुरजी क्या करते हैं, जो कि एक बहुत ही लंबा छक्का मार चुके हैं हवा सिंह गुरजी। और राहुल का सामना करेंगे अब हवा सिंह गुरजी, देखते हैं क्या करते हैं हवा सिंह गुरजी। मात्र जीतने के लिए 38 रन की आवश्यकता। और राहुल की अगली बॉल सामने है हवा सिंह, जो कि मैं गुरबात से ब्लॉक करते हैं। और खेलते सीधे बल्ले से, गेंद बाउंड्री से बाहर, लंबा छक्का, बहुत ही लंबा छक्का हवा सिंह गुरजी के बल्ले से निकलता हुआ। और ओवर की समाप्ति, 7 ओवर की समाप्ति पर बढ़ता हुआ स्कोर। जीतने के लिए मात्र 32 रन की आवश्यकता, 4 विकेट के नुकसान पर। पारी का 7 ओवर समाप्त हो चुके, मात्र 5 ओवर बचे हैं। 5 ओवर में जीतने के लिए 32 रन की आवश्यकता है। 68 रन हो चुके हैं शिवा क्रिकेट क्लब के। जीतने के लिए मात्र 32 रन की आवश्यकता है 5 ओवर में। 5 ओवर में जीतने के लिए मात्र 32 रन की आवश्यकता। हवा सिंह गुरजी का बहुत ही लंबा छक्का, ओवर की समाप्ति 4 विकेट के नुकसान पर। 7 ओवर की समाप्ति पर बढ़ता है स्कोर 68 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। पारी का 8 ओवर, देखते कौन डालते हैं अब। बहुत ही अच्छी बैटिंग कर रहे हैं अनिल और हवा सिंह गुरजी। पारी का 8 ओवर डालने के लिए देखते प्रिंस क्या करते हैं, जो कि इस एरिया के बहुत ही जाने माने बैट्समैन बॉलर है अनिल प्रिंस। अरे किस समय से हाथ नहीं मारते हैं, सिस्टम है। और ये प्रिंस की अगली बॉल सामने अनिल, देखते क्या करते हैं। और लेग साइड से करते हुए बॉल सामने आने, और बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं, 18 के रूप में एक रन। उसी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 69 रन, मात्र जीतने के लिए 31 रन की आवश्यकता। 5 ओवर में मात्र 31 रन की आवश्यकता है जीतने के लिए शिवा क्रिकेट क्लब को। 12 ओवरों में 100 रन का टारगेट दिया था भवानी क्रिकेट क्लब ने। शिवा क्रिकेट क्लब को जीतने के लिए मात्र 100 रन की आवश्यकता। और अब प्रिंस का सामना करेंगे हवा सिंह गुरजी, जो कि जो लंबे लंबे हिट लगा चुके हैं हवा सिंह गुरजी। और ये प्रिंस के अगली बॉल हवा सिंह गुरजी के लिए, और अच्छा बाउंस लिया, थोड़ा बॉडी पे लगी बॉल, रन लेने का कोई मौका नहीं। अच्छी बॉलिंग प्रिंस के द्वारा, पिछले मैचों में प्रिंस ने अच्छी बॉलिंग की थी, और इस बार भी 2 बॉलों पर मात्र 1 रन खर्च किया प्रिंस ने। देखते हैं क्या करते हैं अगली बॉल पर हवा सिंह।
और ये रिस्क के लिए वाला वाला और अंपायर का डिसीजन आना बाकी फर्स्ट राउंड अंपायर का डिसीजन फर्स्ट राउंड देखते हैं अगली बॉल पर ब्रिज की लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं प्रिंस और ये ब्रिज की अगली बॉल वाशिंग के लिए और वाह वाइड बॉल अंपायर का डिसीजन वाइड बॉल वाइड बॉल अंपायर का डिसीजन वाइड बॉल और बढ़ता है स्कोर 70 रन मात्र जीतने के लिए 30 रन की आवश्यकता शिवा क्रिकेट क्लब को 30 रन की आवश्यकता है मात्र जीतने के लिए शिवा क्रिकेट क्लब को और पिच के लिए बॉल सामने हवा से देखते हैं क्या करते हैं हवा से और हवा से खेल के लेफ्ट साइड सेंटर गेट के नीचे है और गेंद बाउंड्री से और कैच ड्रॉप और कैच ड्रॉप हवा सिंह गुरजी को पहला झटका लगने से बचा और फील्डिंग में जितेंद्र फील्डर गेंद के पीछे थे लेकिन कैच छोड़ा और मैच भी छोड़ सकते हैं मेरे को लग रहा है अब धोनी क्रिकेट क्लब मैच भी छुटा सकते हैं हवा सिंह गुरजी जो कि बहुत ही लंबे लंबे छक्के मारते हैं हवा सिंह गुरजी जो कि तीन दो छक्के लगा भी चुके हैं दोनों छक्के घरों में डाले हैं हवा सिंह गुरजी ने अब पिच का सामना करेंगे अनिल देखते हैं अनिल क्या करते हैं जो कि अनिल ने भी छक्का लगाया था अच्छा लंबा छक्का लगाया छकुल के अंदर गेंद गई थी और ये सेकंड फाइनल मैच चल रहा है इनमें जो टीम जीतती है वो चिराग क्रिकेट क्लब के साथ खेलेगी और ये प्रिंस के लिए बॉल और अंपायर का डिसीजन आना बाकी और वाइड बॉल बट का स्कोर 72 रन मात्र जीतने के लिए 28 रन की आवश्यकता है बढ़ता हुआ स्कोर 72 रन जीतने के लिए मात्र 28 रन की आवश्यकता है सॉरी दुर्गा बैटिंग कर रही है और अच्छी बॉल फ्रिज की दुर्गा टीम बैटिंग कर रही है सॉरी कुछ कंफ्यूजिंग थी शिवा बैटिंग कर रही है शिवा टीम ने टारगेट रखा 100 रन का दुर्गा टीम के लिए और ये अगली बॉल अनिल के लिए और अच्छी बॉल डॉट बॉल लगातार अच्छी गेंदबाजी की मात्र 28 रन की आवश्यकता है चार ओवर में जीतने के लिए 28 रन की आवश्यकता 24 बॉल में 28 रन की आवश्यकता है बढ़ता हुआ स्कोर 28 रन बढ़ता हुआ स्कोर सॉरी 72 रन जीतने के लिए मात्र 28 रन की आवश्यकता है बेहतर हो मात्र 28 रन की आवश्यकता है जीतने के लिए 24 बॉल में 28 रन की आवश्यकता है मैं आपको बता दूं मात्र 4 रन की हिटों की आवश्यकता हवा सिंह गुरजी के 4 रन की हिटों की आवश्यकता मात्र हवा सिंह गुरजी के मात्र 4 रन की हिटों की आवश्यकता है जीतने के लिए जो कि दो हिट लगा भी चुके हैं जो कि गिन गिन के छक्के मारते हैं हवा सिंह गुरजी आज बॉलिंग में कुछ खास कर नहीं पाए इनकी कुछ पैर में प्रॉब्लम थी इसलिए बॉलिंग नहीं कर पाए नहीं तो बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं ऑलराउंडर के रूप में जान जाते हैं हवा सिंह और पानी आने कोटी का तीसरा ओवर डालने के लिए आए सामने हवा सिंह गुरजी देखते हैं क्या करते हैं हवा सिंह गुरजी पानी ने लगातार अच्छी गेंदबाजी की है और पारिका नौ ओवर डालने के लिए आए हैं सामने हवा सिंह गुरजी 24 बॉल में मात्र 28 रन की आवश्यकता है और ये जी के लिए देखते क्या करते हैं 24 बॉल मात्र 28 रन की आवश्यकता है वानी क्रिकेट क्लब को और ये वानिया के अगली बॉल और गुरजीत खेल दिया लेग साइड पे जब तक गेंद को फील करते दौड़कर एक रन पूरा किया दूसरा लेने का कोई मौका नहीं अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं वानिया लगातार अपने पारी का नौवां ओवर अपने कोटे का तीसरा ओवर डाल रहे हैं जो कि एक अच्छे गेंदबाज भी हैं और अच्छी बैटिंग भी की वानिया ने आज इनका जन्मदिन है जो कि देखते हैं अपनी टीम के लिए क्या करते हैं और मात्र जीतने के लिए 27 रन की आवश्यकता मात्र जीतने के लिए 27 रन की आवश्यकता है बाने क्रिकेट क्लब को 100 रन का टारगेट मिला था बढ़ता हुआ स्कोर 73 रन और ये अगली बॉल और अनिल ने खेल दिया लेग साइड में गेंद बाउंडिंग की तरफ जा रही है फील्डर गेंद के नीचे है और फील्ड की अच्छी फील्डिंग लक के द्वारा जो कि एक अच्छे फील्डर के रूप में जाने जाते हैं जो कि शिवा क्रिकेट क्लब की ओर से ओपनर बैट्समैन के रूप में आए थे और जिन्होंने अच्छी बैटिंग की मात्र 26 रन की आवश्यकता है वानी क्रिकेट क्लब को जीतने के लिए 21 बॉलों में मात्र पच्चीस रन की आवश्यकता है देखते हैं क्या करते हैं हवा सिंह गुरजी और खेल
बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की जा रही है वाजीपुर जी के लिए। अब सामना करेंगे पानिया का, अब पानिया का सामना करेंगे नील। देखते हैं नील क्या करते हैं, जो कि अच्छे बैट्समैन के रूप में जान जाते हैं नील, जो कि लंबाई पूरी लगा चुके हैं नील। और ये अगली गेंदबाजी पानिया की अनिल के लिए, अपने कोटे का तीसरा आउट। और खेलते सीधे ब्लैक गेंद बाउंड्री से बाहर। बहुत अच्छी बिल्डिंग, बहुत ही अच्छी बिल्डिंग सोलो के द्वारा लॉन्ग ऑन पर आगे फील्डिंग की, लॉन्ग से लॉन्ग ऑन तक की दूरी तय की और एक ही रन दुआ, एक ही रन मिला, चौका बचाया अपनी टीम के लिए। बहुत ही अच्छी बिल्डिंग सोलो की और बढ़ता है स्कोर। सेंटर और ये अगली बॉल और वाइड बॉल और पांच रन वाइड आया। लेक भाई का चौका हो चुका है, लेक भाई का चौका, सॉरी लेक भाई का चौका। मात्र जीतने के लिए 20 रन की आवश्यकता, जीतने के लिए मात्र 20 रन की आवश्यकता है भवानी क्रिकेट क्लब को। बहुत ही अच्छी बोली बैटिंग की जा रही है वाजीपुर जी द्वारा, लगातार बैक टू बैक चौके और छक्के में तब्दील कर रहे हैं। मात्र जीतने के लिए 20 रन की आवश्यकता है भवानी क्रिकेट क्लब को। और शिवा ने मात्र 12 ओवरों में 100 रन का टारगेट किया था। मात्र जीतने के लिए 20 रन की आवश्यकता है, देखते हैं क्या करते हैं गुरुजी। गुरुजी की मात्र 3 ही हिट बचे हैं लंबे, देखते हैं क्या करते हैं, जो कि एक अच्छे बैट्समैन के रूप में जान जाते हैं आवासी गुरुजी। और ये पाने के अगली बॉल सामने आवासी और फिर से और कैच ड्रॉप, फिर से कैच ड्रॉप, दो कैच ड्रॉप हो चुके हैं आवासी गुरुजी के। आज पता नहीं कितनी अच्छी किस्मत लेके आए हैं और बॉलर का जितेंद्र के द्वारा छोड़े गए हैं और की समाप्ति। 18 बोलों में मात्र 20 रन की आवश्यकता है। मैं आपको बता दूं पाने अपने कोटे के 3 ओवर डाल चुके हैं, 3 ओवर सुरेंद्र डाल चुके हैं, 1 ओवर राहुल डाल चुके हैं और 1 फिनिश डाल चुके हैं। और 18 बोलों में मात्र जीतने के लिए 20 रन की आवश्यकता, देखते हैं क्या करते हैं। बहुत ही अच्छी तगड़ी बैटिंग की जा रही है वाजीपुर जी के द्वारा और बीच में अपने कोटे का दूसरा ओवर डाल रहे हैं। और प्रिंस के अगली बॉल पारी पार दसवां ओवर डालने के लिए आए प्रिंस, अपने कोटे का दूसरा ओवर डालने के लिए आए प्रिंस। देखते क्या करते हैं और ये प्रिंस अपने कोटे का दूसरा ओवर पारी का दसवां ओवर डालने के लिए आए हैं। सामने है नील, देखते हैं नील क्या करते हैं, जो कि बहुत ही और प्रिंस के अगली बॉल नील के लिए और नील ने खेल दिया लेग साइड में, बॉल गेंद के नीचे है और आउट। 5 ओवर का बॉल क्रिकेट क्लब को अनिल के रूप में लगता हुआ और ये अगली बॉल पहली बॉल पर विकेट लिया है प्रिंस ने। आते ही अनिल की अच्छी बैटिंग, मात्र 20 रन चाहिए जीतने के लिए। 18-17 बोलों में मात्र 20 रन, आवासी गुरुजी के 3 हिटों की जरूरत है, मात्र 3 हिटों की जरूरत है आवासी गुरुजी के। देखते हैं क्या करते हैं आवासी गुरुजी, जो कि 2 हिट लगा चुके हैं, मात्र 3 आवासी गुरुजी के 3 हिटों की जरूरत है। 2 हिट को लगा चुके हैं ऑलरेडी आवासी गुरुजी, जो कि दोनों ही बॉल को घरों के अंदर डाली थी। और अनिल की अच्छी बैटिंग अपनी टीम के लिए 20 रन का योगदान दिया अनिल ने, बहुत ही अच्छी बैटिंग की अनिल ने। और ये प्रिंस की अगली बॉल सामने है आवासीपुर जी, देखते हैं क्या करते हैं आवासीपुर जी और खेलते अगली की तरफ। और पटवारी के द्वारा अच्छी फील्डिंग, रन लेने का कोई मौका नहीं, अच्छी फील्डिंग की गई है पटवारी के द्वारा, जो कि इस उम्र में भी अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं लगातार, ये क्रिकेट अकेडमी चला रहे हैं। और ये अगली बॉल पिच की और फिर भी कह दिया एक साइड में और चौका। मैंने पहले बता दिया था वाशिंगपुर जी की मात्र 3 ही शॉटों की जरूरत बची है अभी और जीतने के लिए मात्र 14 रन की आवश्यकता है। 14 ओवरों में 14 रन की आवश्यकता, बहुत ही अच्छी बैटिंग की जा रही है वाशिंगपुर जी के द्वारा। 3 हिट तो लगा चुके हैं वाशिंगपुर जी और 3 हिटों की और आवश्यकता, 2 हिटों की और आवश्यकता है, मात्र 14 रन की आवश्यकता है। और इनमें जो टीम जीतेगी वो चिराग क्रिकेट क्लब के साथ फाइनल खेलेगी, अभी कुछ ही बलोबाद में होगा।
और आज क्या कहते हैं ऑफसाइड में टॉस की तरफ जब तक गेंद को फील्ड करते दौड़कर एक रन पूरा किया, दूसरा लेने का कोई मौका नहीं। और सामने मुकेश, मुकेश भी लंबे लंबे एक लगाते हैं, देखते हैं इस ओवर में क्या करते हैं मुकेश। मुकेश लगा हुआ हवा चीन लगा हुआ, मात्र दो हीटों की आवश्यकता है भवानी क्रिकेट क्लब को। एक अच्छी बैटिंग की जा रही है भवानी क्रिकेट क्लब की, शिवा क्रिकेट क्लब की ओर से 100 रन का टारगेट मिला था। और ये रिच की अगली बॉल मुकेश के लिए, देखते हैं मुकेश क्या करते हैं। और मुकेश ने एक साइड में घुमाया और एक रन दौड़कर पूरा किया और दूसरे रन के लिए दौड़ रहे हैं सिंगुर जी, और दूसरे रन के आसानी से पूरा किया। बहुत ही अच्छी दोनों बैट्समैनों के द्वारा रनिंग की गई और दो रन पूरे किए मात्र जीतने के लिए। अब 11 रन की आवश्यकता है, 13 बॉलों में 11 रन की आवश्यकता है, 13 बॉलों में 11 रन की आवश्यकता है। बहुत ही छोटी बॉल मिली लेकिन मुकेश कुछ फायदा उठा पाए उस बॉल को। और ये पिच की अगली बॉल सामने मुकेश, देखते देखते क्या करते हैं मुकेश। 11 बॉलों में 13 रन की आवश्यकता और अच्छी बॉल और की समाप्ति, 12 बॉलों में 11 रन की आवश्यकता है।